असी इत्थे खड़े हैं, तुसी देखो सरदार जगरूप सिंह गिल MLA बठिंडा, मीनाक्षी चैरिटेबल क्लिनिक ये इत्थे खोलिया गया। सब तो पहला तो मैं इन्होंने डॉक्टर साहब को पूछ लेना भी ये कदों खोलिया, की खोलिया, मकसद की, फिर आप MLA साहब वाल होने। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। अज असी ओपनिंग कर रहे हैं जिहड़ी ये मीनाक्षी चैरिटेबल क्लीनिक की कर रहे हैं। साडा इहदे च मेन मकसद ये है कि जिहड़ा साडा एरिए दे विच कैंसर के बड़े पेशेंट ने, तो कैंसर के पेशेंट नूं अक्सर कीमोथरैपी रेडियोथरैपी लैनी ही पैंदी है, उन्हां दी मजबूरी है। तो जिहड़े उन्हां दे साइड इफेक्ट्स ने, उन्होंने साइड इफेक्ट्स को किवें कवर किया जाता है? साड़ी पिछले 2 साल तो असीं इस दे उत्ते रिसर्च कर रहे सी, कुछ होम्योपैथी दी दवाइयां, कुछ आयुर्वेदिक दियां, कुछ जिन्नी भी नेचरपैथी जां अल्टरनेट पैथी कह दिंदे आ, उहदे विच असीं बहुत पेशेंट ते ट्राई किया, तो सानूं इह रिजल्ट मिलिया कि असीं उहदे साइड इफेक्ट भी दूर कर सकदे आ, जिहड़े आफ्टर इफेक्ट्स हुंदे ने। तां कुछ जिहड़े पेशेंट नूं असीं दवाई दित्ती तां उहनां दे विच इंप्रूवमेंट भी चंगी आई। देखो लाइफ असीं किसी की एक सांह भी नहीं वधा सकते, क्योंकि असीं गुरबाणी जो लिखिया साडे ग्रंथा च लिखिया भी लाइफ असीं एक सांह जिन्नी हैगी है उन्नी ही रहेगी, असीं वधा नहीं सकते, पर उहनूं ईजी कर सकते हैं। उस नूं ईजी करन दे लई असीं जिहड़ा अज होम्योपैथी क्लीनिक जां कह सकदे चैरिटेबल क्लीनिक खोलिया है, तो ये साडे धालीवाल साहब जिहड़ा ग्रुप हैगा जिहड़े कैंसर डिटेक्ट वास्ते उन्हां दी वैन चलदी है, उहनां नाल भी असीं ट्राई अप कर रहे हैं ताकि असीं इस एरिए दे विच पहलां अर्ली डिटेक्शन कर लईए ताकि उस तो बचा जा सके। जिहड़े पेशेंट ऑलरेडी हैगे ने उन्हां दे साइड इफेक्ट घटाए सा, जिन्नी लाइफ उन्हां दी है वह ईजी रहे। की होया करूगा इत्थे? इत्थे फुल टाइम साडी इह क्लीनिक खुलेगी, कैंसर तो बिना बाकी सारिया बीमारियों लिए भी मेडिसिन दिती जाएगी। डॉक्टर साहब साडे डॉक्टर हिमाली बत्रा जी ने BHMS ने वो रुकणगे, उस तो इलावा भी अल्टरनेटिवली जिवें सानूं जरूरत पएगी, चाहे कोई होम्योपैथी डॉक्टर, चाहे कोई एलोपैथी डॉक्टर, चाहे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, उहदी असीं विजिट करवावांगे टाइम टू टाइम। पेशेंट आएगा, पेशेंट नूं उहदी डिजीज़ डायग्नोस करके फ्री ऑफ कॉस्ट असीं इत्थों मेडिसिन डिलीवर, कोई भी दवाई बीमारी, कोई भी बीमारी। कैंसर लई मेन तुसीं जिहड़ा कीता उहदा की करोगे? कैंसर लई असीं इस करके कीता कि साडे जिहड़े एरिए दे विच जिवें सानूं पता ही ईवन बठिंडे दा कैंसर ट्रेन बठिंडे चलदी है, तां मैं बीइंग ए डॉक्टर मेरे कोल बड़े पेशेंट आउंदे ने जिहड़े आफ्टर इफेक्ट ने। पेशेंट कैंसर नालों ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट तो दुखी हुंदा है, क्योंकि वो इन्ने क साइड इफेक्ट आ जाते हैं। जो असी रिसर्च करनी शुरू की पिछले 2 सालों असी यह ऑब्जर्व किया कि कुछ होम्योपैथी, कुछ नेचुरलपैथी, असी कुछ मेडिसिन उन्होंने पेशेंट को दिते जिहड़े कीमोथरैपी या रेडियोथरैपी लै रहे थे, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आया उन्होंने, उन्होंने साइड इफेक्ट जिहड़े सीगे वह मिनीमाइज हो गए। तो पेशेंट जिन्ना चिर भी रहा वो इस गल तो ईजी रहा कि जिहड़े उहदे साइड इफेक्ट तो दुखी हुंदा सी वो तो बचत रही। तो उतो साडे दिमाग दे विच आया भी क्यों ना एक ऐसी चैरिटेबल। इन द मीन टाइम साडे भाभी जी जिहड़े सी उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम, मिसेज मित्तल सीगे, तो प्रॉब्लम तो उन्होंने पिछे डैथ हुई, तो असी उन्होंने नाम के उत्ते मीनाक्षी मित्तल उन्होंने नाम के उत्ते, उन्होंने बरसी है अज पहली, तो असी उन्होंने बरसी उन्होंने नाम के उत्ते जी है ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ताकि दिल दे विच एक कसक सी ना भी जिहड़ी असी भोगया है वो कोई होर ना भोगे। तो असी एक छोटा जिहा कोशिश की है, तो जे साडे परमात्मा का साडे दोस्तों का साडे ते साथ रहा तो कामयाब होवांगे जरूर। देखो जो तुसी कोई नेक काम करते हो तो परमात्मा हमेशा साथ देता, जो परमात्मा साथ देता तो दोस्त अपने आप साथ देना शुरू कर देंगे। जिवें आशीर्वाद देने दे लई सरदार जगरूप सिंह गिल आए ने। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। ये जिस तरह हुण इन्होंने अज एक क्लीनिक इत्थे खोलिया जा रहा, वैसे एलोपैथी दे मगर असी लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पर होम्योपैथिक का किन्ना कु बेनीफिट होएगा जी? देखो जी, पहला तो मैं थोड़े शब्द नूं मेंड करना चाहुंदा विद ड्यू रिस्पैक्ट जी, प्लीज। आशीर्वाद परमात्मा का हुंदा, मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं तो क्योंकि तरसेम डॉक्टर तरसेम मेरे नाल बचपन तो जुड़िया होया है, इहदी सेवा भावना की गल है। इन्होंने कहा कि मैं इत्थे चैरिटेबल जिहड़ा हिमाची चैरिटेबल खोलना चाहुंदा होम्योपैथी हॉस्पिटल जां क्लीनिक जिथे मैं फ्री इलाज लोगों को दूंगा, और खास तौर के उत्ते कैंसर के पेशेंट जोड़े है क्यों, मैं कोई मैडिकल स्टूडेंट नहीं जो मैं ये बारे कोई एक्सप्लेन कर सकता, डॉक्टर साहब ने बेहतर एक्सप्लेन किया। जिमें इन्होंने दसिया वो मुताबक अगर आफ्टर इफेक्ट जोड़े चैरिटेबल है कैंसर पेशेंट उन्होंने कोई रिलीफ मिलता है, तो मैं समझा एलोपैथी च नहीं मिलता। एलोपैथी कल्ली चीर फाड़ कर सकती है, उन्होंने इलाज करने का ढंग जिहड़ा है वो एक वक्खरा, ये पैथी वक्खरी है। बंदे नूं रिसर्च करनी चाहिए है। कई वारी जिवें नानक सिंह, कोई बहुता पढ़िया लिखिया नहीं सी, इहदा डॉक्टर ने
वो अनपढ़ बंदा सी ते उन्हें नावल लिखते जिहड़े अज कॉलेज दे विच स्टूडेंट्स नूं लगदे आ। कोई बंदा कोशिश करता रहे भावें वह एलोपैथी होवे भावें वह आयुर्वेदा होवे भावें वह एलोपैथी होवे, यह पता नहीं कुदरत ने किस दे हथ नूं जस दे देना है ते उहदे नाल जिहड़ी इलाज है वह संभव हो सकना है। मैं तो अज दे दिन जिथे इन्हां दे क्लीनिक दे उत्ते आया क्योंकि मेरा तो अपना क्लीनिक है जो इन्होंने काम शुरू किया साडा परिवार रिश्ता है। बड़ी चंगी गल की है कि कल्ले कैंसर पेशेंट नहीं होर भी जिहड़े पेशेंट होणगे उन्हां नूं इह इलाज फ्री करनगे बहुत फायदा मिलेगा इत्थे जिहड़े लोग आके दवाई लैणगे। मैं तो परमात्मा अगे अरदास करदा कि जिस आशे दे नाल इन्होंने शुरू किया इत्थों जिहड़ा आवे वकील ते डाक्टर दो ऐसे पेशे है। वकील कहिंदा मेरे कोल केस आवे पर जित्तां, डॉक्टर कहिंदा पेशेंट होवे पर मेरे कोलों ठीक हो के जावे। वो इन्हां दी इच्छा पूरी होवे परमात्मा इन्हां दे सिर ते हत्थ रखे जिहड़ा भी पेशेंट आवे वो इत्थों आपदी दे अरोगता लैके जावे। जी बिल्कुल तुसीं बहुत अच्छा कहा भी अरोगता लैके जावे, पर यह चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इन्हां वल्लों खोली गई है। एज एम एल ए तुसीं समय समय ते इन्हां दी चैरिटेबल जिहड़ी हैगी है क्लीनिक इहनूं हैल्प करिया करोंगे? मैं तो वैसे ही आता जाता रहना जी, तो कोई कहने वाली गल नहीं है। आना जाना एक वक्री गल है जी, कई बार सपोज फाइनैशियली हैल्प की लड़ हो दैन मैनू लगता नहीं डॉक्टर सेन कोई फाइनैशियल की लड़ पवे हैल्प की। इन्होंने एक गल की भी मैंने लगता नहीं भी डॉक्टर तरसेम लड़ पवे, पर जो लड़ पेगी मेरे कहीं ना नहीं, पर मैंने लगता कि लड़ पै नहीं सकती। देखो वो ठीक है, उन्होंने पहला इशारा देता भी भरावा अपने दम से काम करी, जे बहुत ज़्यादा लोड़ पई तो मैंने बुला ली, अदरवाइज हाँ इतने मैं गेड़ा जरूर मारता रहूँगा। पर मैं फिर अपनी पहली गलते आया भी जी एम एल ए साहब ने गल की भी मैं थोड़ी गलू दुरुस्त करा भी आशीर्वाद मैं रब नहीं, वड्डे भरा जो छोटे भरा वड्डिया रब मन लग जा तो वड्डे भरा रब वर्गे ही होंगे है। आशीर्वाद जो असं किसी मत्था टेकते हैं तो अगला कहता ज्यौदा रह, वो आशीर्वाद होंगे मेरे हिसाब न। फिर इन्हों आशीर्वाद ही देना आया भी छोटे वीर तू काम कर, वाहेगुरू तेनू इस काम वाल दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की वाल लैके जावे कि तू लोकां दे फायदे करे, लोकां नू बीमारियां तो निजात दवावे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सो इस करके देखो मेरा मेरे ही सीगा जी, डॉक्टर साहब आ जाओ जी प्लीज़, डॉक्टर साहब नू भी पहला चेयर ते बैठन दिओ ते फिर आपां इह तुसीं हुण जिन्ने लोग इहनू देख रहे ने इह पहचान लिओ भी डॉक्टर साहब जड़े ने इत्थे बैठिया करनगे जी, ते इत्थे सत श्री अकाल डॉक्टर साहब अपना पूरा नाम दस दिओ जी। डॉक्टर हिमाली बत्रा। मैडम तुसी टाइमिंग तुहाडी की होया करेगी? मॉर्निंग 10 to 2 एंड इवनिंग 4 to 6। संडे दी कोई छुट्टी? संडे ऑफ। कोई आएगा कोई बच्चा या कोई पेशेंट या कोई भी आंदा तो कोई पहला कोई फी वगैरह रखी है या बिल्कुल चैरिटेबल? कोई फी नहीं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। देखो ये वधिया गल कीती इन्होंने, नहीं तो मैनूं ऐसे भी कई बार हुंदा चैरिटेबल जिहड़ी हुंदी ना वो 5 या 10 रुपए जस्ट इस करके परची रखते हैं भी चलो यार होर नहीं तो जिहड़ा इत्थे चाह पियाण वाला पानी पियाण वाला मुंडा रखना उहदी तनखा बारों बार निकल जाए। पर डॉक्टर तरसेम या भाजी होरां ने गल कीती भी इत्थे आ जिहड़ी चीज़ है ये भी नहीं होएगी बिल्कुल टोटल फ्री, तो हुण मैनूं लगदा फिर डॉक्टर तरसेम नूं एम एल ए जगरूप सिंह गिल की जरूरत जरूर पैनी है। गल नूं दुरुस्त करदा शायद मैनूं एम एल ए जगरूप सिंह गिल जी की जरूरत ना पवे, तो मैनू मेरे प्यो की जगरूप सिंह जी जिन्होंने प्यो कहना जरूरत हमेशा है सी तो रहूगी। आशीर्वाद के तौर पर जिहड़ी गल पैसे की आई सी पैसा भी जो बजुर्गों का आशीर्वाद हों पी आता है। मैं तो पहला कह के हटिया देखो पता कि मेरा मकसद की हिंदा भी जिमें एम एल ए साहब ने गल की भी मेरे घर की है तो मैंने भी हिंदा भी असं एक फैमिलियर जो बन के गल करिए ना मैं पत्रकार बन के गल करा ना तुम डॉक्टर साहब बन के गल करो। लो जी सरदार अमृत अग्रवाल जी भी आ गए हैं भाजी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। तुम इतने आए हो बड़ा वधिया इन्होंने काम किया चैरिटेबल ट्रस्ट है ना चैरिटेबल दे लई की कहिंदे ने मीनाक्षी चैरिटेबल क्लीनिक की कहना चाहूँ? बहुत वधिया जिहड़ा साडा पार्टी का भी यही है भी लोगों की सेहत वल ध्यान देना, तो साडा जिसने भी यह खोलिया उन्हों का ही धन्यवाद करते हैं। लोगों की सेहत वल साडा मुढ़ला पार्टी का यह निशाना है भी वध तो वध असी
चैरिटेबल हस्पताल खोलीए, साढ़े आपदे महला क्लीनिक बनाइए ते लोगों की सेहत वाल असी ध्यान, साडा पहला मुढ़ला है साडा मुद्दा। बिल्कुल, आओ जी आप बार भी चलते हैं। अच्छा ओके, अब सॉरी सॉरी, प्लीज़ 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 बैठो। तो ये आप कहते जगह तंग परंतु दिल खुला, दिल बहुत खुला। तो सत श्रीकाल। सत श्रीकाल भाई जी, की शुभ नाम? मैं डॉक्टर संजय मित्तल जी। डॉक्टर साहब वैसे तुसी डॉक्टर नाल लगता पर तुसी इस प्रोफेशन तो तन? नहीं मैं डॉक्टरी प्रोफेशन तो नहीं है बट आई एम रिसर्च स्कॉलर। बिल्कुल, आज जेड़ा ये कीता है क्लीनिक खोलिया ये बारे तुहाडा की? बेसिकली भाजी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिहदा इलाज है बट इलाज ना होने का मेजर कारण की है कि टाइमली डायग्नोसिस नहीं होंदा और जदों डायग्नोसिस होंदा उदों बहुत लेट हो चुका होंदा है और उस वेले कोई ऑप्शन नहीं बचते। साडा इस क्लीनिक नूं खोलण दा मेजर परपज है कि अर्ली डायग्नोसिस, कैंसर दी अवेयरनेस लोगों च लैके आना, कैंसर क्यों हुंदा है, इहदे तों किस तरह बचाया जा सकदा और टाइमली डायग्नोसिस किस तरह किया जा सकता है। डायग्नोसिस करन तों बाद राइट ट्रीटमेंट दैट इज़ ऑलसो वेरी क्रिटिकल। समटाइम्स की हुंदा डायग्नोसिस तां हो गया, पता लग गया स्टेज वन है स्टेज टू है, इलाज होके बिल्कुल पेशेंट ठीक भी हो सकता है, लेकिन अपने सिस्टम च गुमराह करन दा जिहड़ा सिस्टम है वह भी बहुत ज़्यादा हैगा है और पेशेंट गुमराह होकर कई बार ऐसे गलत हत्थां चला जाता है या गलत ट्रीटमेंट्स चला जाता है जिथे वो स्टेज थ्री फोर से ऐसी एडवांस से निकल जाता है कि वो कोई ऑप्शन नहीं बचदियाँ। ये मेरे बेटा जी ने डॉक्टर ईशान मित्तल, ये डी एम सी डॉक्टर ने और डी एम सी अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो है इस वेल काफ़ी एडवांस हो चुके हैं इन चीज़ों के अंदर। ये डायग्नोसिस के वीरियस कैंप्स लगा रहे हैं, इन्होंने सानू प्रोमिस किया है कि साढ़े नाल फ्री डायग्नोसिस अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे और साढ़े पेशेंट्स नू ये मैक्सिमम बेनीफिट्स देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑलसो। सो साडा ये सोलो परपज है सर इस इंस्टीट्यूट नू शुरू करन दा एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग, ये जस्ट एक पहली शुरुआत है। साडा परपज है कि बठिंडा च असी एक बहुत बड़ा मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल स्पैशली इन द सपोर्ट ऑफ टाटास असी इत्थे शुरू करना है ते परमात्मा दी मेहर गिल साहब दी सपोर्ट भरावां दा आशीर्वाद रहा तो असी वो भी साकार करांगे सर। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने गल की इन्हों के बेटे, सत श्रीकाल जी। मेरा नाम डॉक्टर ईशान मित्तल। हाँ जी ईशान जी, जिस तरह इन्होंने गल दसी भी तुसी साडा पूरा साथ दोगे भावें तुसी जॉब उधर करते हो, टाइम कितना कटिया करो? जैसे मैं जिम जिम अपना करूँगा करियर अगे करूँगा अपना अगर हासिल उमें मैं इतने लेकिन पूरा ध्यान दूंगा कि मेरे मम्मा के नाम से हॉस्पिटल खोलिया गया है तो उन्होंने डैथ में मतलब मैं ये देखना चाहता कि बाकी वो कैंसर पेशेंट्स इस बीमारी तो ईजी अपना लाइफ काट सकन, अगर जल्दी डायग्नोस हो सके ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल सके तो उन्होंने बीमारी सौखी निकल सके, यही मोटिव है इस हॉस्पिटल खोलन का। मीनाक्षी जी इन्हों मदर सके तो नामराद बीमारी है कैंसर, यदा डायग्नोज होना सब तो पहला जरूरी होंगे, कई बार सू चौथी स्टेज पर जाके पता लगता कि यार कैंसर है तो ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना जो किया इन्होंने स्टार्ट कि यार असी डायग्नोज पहला करिए और उस तो बाद फिर असी यदा इलाज है जोड़ा वो करिए, चंगा इनिशिएटिव है, सोच उन्हों की अच्छी है मिस्टर मित्तल की कि यार असी बहुत व्डा इतने एक हॉस्पिटल बनाना। वाहेगुरू करे पहली गल तो मरीज ही ना हो, कैंसर नामराद बीमारी साढ़े नेड़े नेड़े भी ना आवे, पर बीमारी है कुछ कह नहीं सकते, पर बीमारी के इलाज के लिए जी इन्होंने सोच सोची है वह वाहेगुरू करे कि इस तरीके दे नाल ये काम करते जान ते जनता की भलाई है जी वो करते जान। मेरा इन्ना को काम से कि मैं थोनों दस दया इतने एक मीनाक्षी चैरिटेबल क्लीनिक खोलिया गया कमला नहरू कलोनी दे विच, जिथों आप जस्ट जी कलोनी एंटर करते हैं घर जे आ जाते हैं ना तो छोटी पहली मार्केट है 30 नंबर है ना 32 कमला नहरू मार्केट दे विच ये है और ये उपर मैं नंबर भी दे देंगे तो मैनू दियो इजाजत। सत श्री अकाल।